जब सप्तमर में सत्ता सीन करने का वक्त आता हो तो फिर दिल्ली की सल्तनत और हरियाणा के हुक्मरान वो ब्राह्मण समाज को दरकिनार कर देते हैं। ये आज एक शाश्वत सत्य है। एक कड़वा सत्य ये भी कि पूरे देश के अंदर ब्राह्मण समाज का जो नेतृत्व है, प्रदेश के अंदर जो ब्राह्मण समाज का नेतृत्व है, बारी बारी से दिल्ली के हुक्मरान ने और हरियाणा के हुक्मरान ने उन पर प्रहार किया है। ब्राह्मण समाज के नेतृत्व को दरकिनार करने का षड्यंत्र अगर मैं ये कहूं इजाजत लेकर आपने किया है तो वो गलत नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। पड़ोस में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार आती है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के नाम पर जब सत्ताधारी गद्दी पर बिठाने की बात आती है तो दिल्ली के हुक्मरान उठाकर आदित्यनाथ जी को वहां बिठा देते हैं, वो भी उत्तराखंड से लाकर। जब देश के अंदर मुख्य भूमिका देने की बात आती है कलराज मिश्र जी को तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी हुक्मरान कलराज मिश्र जी को बूढ़ा कहकर रिटायर कर देते हैं। जब देश के अंदर सत्ता की हिस्सेदारी देने की बात आती है तो फिर वाजपेयी जी की भतीजी को जिनका नाम लेकर उंगली पकड़कर ये आज दिल्ली की सत्ता पर बैठे हैं उन्हें छत्तीसगढ़ में धक्के मारकर टिकट काटकर कांग्रेस में जाने पर मजबूर कर दिया जाता है। जब देश में जो सबसे बड़े भाजपा के विद्वान हैं, जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उसी श्रेणी में लिया जाता है, जब उनकी बारी आती है सबसे बड़े पद पर आसीन होने की तो फिर दिल्ली के हुक्मरान जो है वो मुरली मनोहर जोशी जी को दूध से मक्खी की तरह निकालकर बाहर उनको कोक भवन में कहते हैं कि अब आप तो वो क्या है बना रखा है एक राजीव जी जो जहां सबको मार्गदर्शक मंडल में चले जाइए। मूक दर्शक मंडल है वो, मार्गदर्शक नहीं है। सही कहा आप। जब हरियाणा में 45 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासक नहीं था और एक व्यक्ति भाजपा के लिए एडी रगड़ा करता था, एक एक जगह जाकर प्रचार करता था, कई कई बार चुनाव हार कर भी प्रचार करता था और जिसने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाए रखा, आप समझ गए मेरा इशारा कहां है। जब हरियाणा में पहली बार सरकार आती है तो चेहरा रामदयाल शर्मा का और सत्ता मनोहरलाल खट्टर को, जिन्होंने कभी हरियाणा में 5 पैसे का काम भाजपा के लिए नहीं किया। और ये केवल एक प्रदेश की कहानी नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो हर इलाके हर प्रदेश के अंदर ऐसा करती है। माफ कीजिए वो हमारे समाज से जुड़ी हुई नहीं, परंतु जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो, जब चुनाव हारना हो तो कैथल में भी रवि भूषण करण जी को आगे कर दो क्योंकि वही 50 साल से उनका झोला उठाए हैं, और अब जब मलाई खाने का समय आया तो फिर सारे भगोड़ों को अपने पास शामिल कर लो और उस व्यक्ति को दरकिनार कर दो। ये उनका चरित्र है। चांदी का मुकुट खट्टर साहब के सर पर रखते हैं उनकी यात्रा के दौरान। माफ कीजिए भावना के अनुरूप बहुत सारे साथी बहुत सारी चीजें देते हैं, कई बार आपको नोट की माला देते हैं, हम उसे सर से नुचकारते हैं, अगले को ऑफिस पर देते साहब आ गया स्वीकार नहीं क्या होगा। चांदी का मुकुट अगर दिया आप उसे सर से नुचकारते मंदिर में दे देते, दादा खेड़ा पर दे देते, यहां तो हर कोने के ऊपर कोई ना कोई पवित्र स्थल है, आप नमस्कार के उन्हीं को दे देते। पंडित जी बहुत स्वीकार मान लिया, परंतु यह कहना ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति को खट्टर साहब को चांदी का मुकुट दे रहा है वो परसे से उसका सरकार है, क्या इतना कमजोर समझ लिया आपने खट्टर साहब ब्राह्मण समाज को। ये कह रहे थे हमारे साथी अनिल भाई ने भी कहा और त्यागी जी ने भी कहा कि जो तीसरा लेकर खोल लिया ना तो फिर राज सिंहासन नहीं रहेगा, हरियाणा से बाहर जाकर पीछा छुटेगा। मेरे आदरणीय बुजुर्ग साथियों सच्चाई ये है कि राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक भेदभाव और सामाजिक शोषण का शिकार अगर आज कोई है तो वो ब्राह्मण समाज है। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं आपका अजीज होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते, आपका भाई होने के नाते, एक नया रास्ता एक नया एजेंडा बढ़ाने की जरूरत है। आप याद करिए कांग्रेस की जब सरकार थी
तो वर्षों से जो डोलीदार है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन को काश करते आए हैं, उनको जमीन का मालिक किसी ने नहीं बनाया। एक कमेटी बनी मंत्रिमंडल की, आपका आपके अजीज ने वो कानून लिखा। मुझे सौभाग्य मिला कि मुझे वो कानून लिखने का सौभाग्य मिला और पूरे हरियाणा के डोलीदारों को, जमीन को काश्त करने वालों को उनका मालिक बनाने का अधिकार देने का सौभाग्य, उस कानून को पेश करने का सौभाग्य और उस कानून को पारित करवाने का सौभाग्य, तीनों सौभाग्य मुझे प्राप्त।